नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले मध्य प्रदेश में आयोजित कराई जा रही इस वर्ष TET की परीक्षा के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि सभी स्टेटों में अपनी अपनी एक TET की परीक्षा करवाई जाती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी वर्ग एक के टीचर्स के लिए यहाँ पर TET की परीक्षा का आयोजन किया गया है 2023 में पहली बार। अब यहाँ पर कहाँ से फॉर्म डालेंगे, किस तरीके से फॉर्म को डालना है, क्या कैसे क्या बेसिक डिटेल है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम सर्च किए लेते हैं गूगल पर MP ऑनलाइन। जैसे ही सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए आपको नागरिक सेवाओं में आवेदन दिख रहा होगा, सिंपली यहां पर आवेदन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आते जाना है, आते जाना है, आते जाना है। यहां पर देखिए आपको मध्य प्रदेश PSC यहां पर लिखा देगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। सिंपली इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर ही आपको 27 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे, 26 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मैं कुछ आपके दिमाग के डाउट्स क्लियर कर दूं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले वर्ग एक के फॉर्म डाले थे वर्ग एक के मध्य प्रदेश में PEB द्वारा, तो यहाँ पर उन लोगों को इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आप चाहो तो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो वर्ग एक का। और यहाँ पर ये प्राइमरी वालों के लिए नहीं है, ना ही ए मिडिल वालों के लिए, ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ वर्ग एक वालों के लिए। तो यहाँ पर इस परीक्षा को आपको जरूर क्रॉस करना होगा। उसी तरीके से ये TET की परीक्षा रहेगी जिस तरीके से आपकी CTET या फिर UPTET, जिस तरीके से अदर स्टेट में TET की परीक्षा करवाई जाती है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरीके से आपको ये परीक्षा भी पास करनी होगी। यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड दिया जाएगा, तब जाकर आप यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप वर्ग एक का पेपर क्रॉस करते हो तो वहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट, ये जो परीक्षा करवाई जा रही है ना, उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए इस फॉर्म को आप MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर डाल सकते हो। यहाँ पर इसकी लिंक जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिंक दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि 27 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन होंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद अगर आप पेमेंट करना भूल गए हो, पेमेंट करना चाहते हो, किसी तरह का एरर आ गया है पेमेंट करते दौरान, तो सेकंड लिंक से पेमेंट कर सकते हो। थर्ड लिंक पर यहाँ पर आकर आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो, और यहाँ पर फोर्थ लिंक पर यहाँ पर रीप्रिंट कर सकते हो या फिर पेमेंट स्टेटस देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट की लिंक भी यहाँ पर दी गई, जिस एडवर्टाइजमेंट में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए आपको PDF फाइल दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर क्लिक करोगे तो PDF फाइल डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। देखिए ये आ चुका है, तो यहाँ पर आप इस PDF को रीड करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। इसके नीचे एक और आपको PDF देखने को मिल जाता है, इस पर भी आपके सवालों के ही जवाब मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए क्या क्या होगा आवेदन करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आवेदन की प्रक्रिया रहेगी, जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से आपको आवेदन करना है, तो देखिए यहाँ पर से किस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि फिजिकल साइंस है ना, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये आ गया आपका फिजिक्स। फिजिक्स सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या आपने नेट परीक्षा दे रखी है, हाँ तो अगर दे रखी है तो हाँ यस बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं दी है तो नो बटन पर क्लिक करें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपकी MA अध्ययनरत है, मतलब कि आप अभी MA कर रहे हो, MA MSc MCOM जैसे कि फिजिक्स से कर रहे हो, तो फिजिक्स से मेरा मतलब कि MSc होनी चाहिए, तो MSc आपकी पूर्ण है तो बीच का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर अध्ययनरत है तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्नातकोत्तर में अध्ययनरत, परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा है, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन को टिक करें। और यहां पर देखिए किस सेमेस्टर तक आपकी परीक्षा चल रही है, तो जैसे मान लीजिए थर्ड के हो गए, फोर्थ सेमेस्टर की आपकी परीक्षा चल रही है, तो यहां पर
चतुर्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करें। और यहाँ पर देखिए आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है तो यहाँ पर नो करें। अगर पीएचडी की डिग्री है तो यस करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेसिक डिटेल है तो आपको एक एक करके भर देनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको छोटी सी डिटेल बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्नातकोत्तर की डिटेल्स फिलअप करनी होती है, ठीक है ना। पहले टेंथ की पूरी डिटेल, ट्वेल्थ की, फिर स्नातक की, फिर स्नातकोत्तर की। तो यहाँ पर आपकी स्नातकोत्तर तो कंप्लीट होगी नहीं, तो आप इसे रीड करिएगा। यहाँ पर लिखा ना, यदि अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो स्नातकोत्तर की अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण दर्ज करें। तो यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए चतुर्थ सेमेस्टर चल रहा है आपका, तो थर्ड सेमेस्टर की पूरी डिटेल डाल सकते हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर सोचेंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर का इक्वल करके डालना है कि केवल थर्ड सेमेस्टर का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, केवल केवल थर्ड सेमेस्टर का ही यहाँ पर आपको डालना है, इक्वल करके नहीं डालना है, ठीक है ना। अगर आपके सीजीपीए में है तो यहाँ पर इसको टिक जरूर करें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बेसिक एड्रेस वगैरह भर देना है और फोटो सिग्नेचर अपलोड मोबाइल ईमेल आईडी डालने के बाद इसे सबमिट कर सकते हो। छोटा सा फॉर्म रहेगा, ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर बताई गई डिटेल एमपीटीईटी से रिलेटेड आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।